आज मैं आपसे भेज उपमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं भेज उपमा। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। भेज उपमा बनाने के लिए मैंने लिए हैं सूजी 1 कप, मोटी या बारीक सूजी को भी ले सकते हैं, कटा हुआ टमाटर 2, 1 कटा हुआ गाजर, 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 कप सुटकन के दाने, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, आलू 1 कटा हुआ और पीनट रोस्टेड लिए हैं 1 बड़े चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, 1 हरी मिर्च कटी हुई, चीनी 1 छोटी चम्मच, घी 1 छोटी चम्मच, हरा धनिया थोड़ा सा काट के लिए हैं, काजू 5-7 पीस लिए हैं उपमा को डेकोरेशन करने के लिए, और तेल 2 बड़े चम्मच, इसके जगह आप घी में भी बना सकते हैं उपमा, और पानी 1 कप सूजी है तो 3 कप पानी लिए हैं, यहाँ पर 3 कप पानी यूज करेंगे हम। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर एक पैन रखकर गैस ऑन कर दिए हैं। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी सूजी को कर सकते हैं। अब इसमें सूजी डालकर भुनेंगे, मीडियम आंच पर ही भुनेंगे सूजी को, हाई बिल्कुल नहीं करेंगे गैस को। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे ज़्यादा हमें सूजी को नहीं भुननी है। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में सूजी को। अब सेम पैन में हम 1 चम्मच तेल फिर से डाल देंगे और इसमें सब्जी को भुनेंगे। तो सबसे पहले हरी मिर्च और प्याज डालकर थोड़ी देर भून लेंगे इसे। अब इसमें डालेंगे आलू। आलू को चलाते हुए 2 मिनट ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, आलू पक चुका है। अब हम इसमें हरी सब्जी डालेंगे, गाजर डाल दिए, थोड़ी देर पकाएंगे इसे चलाते हुए, शिमला मिर्च डाल दिए। अब इसमें हम सुटकन के दाने डाल देते हैं। सारे चीज़ों को चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जी आप अपने मनपसंद अनुसार से ले सकते हैं, जिस जो आपको पसंद हो वो ले, जो नहीं पसंद हो उसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अब पक चुकी है सब्जी। तो हम अब डाल देंगे इसमें टमाटर और थोड़ी देर पका लेंगे टमाटरों को। अब इसमें डाल देंगे भुनी हुई सूजी जो हमने भून कर रखे थे और अच्छी तरह से सब्जी में मिला लेंगे पहले। अब हम इनमें डालेंगे पानी, मेजरमेंट करके रखे थे 3 कप, वो सारे पानी डाल देंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो देखिए अब पानी सूख चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, चीनी और मिला लेंगे अच्छी तरह से, और इसी में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप करें। और इसमें डालते हैं भुनी हुई मूंगफली लास्ट में डालेंगे ताकि क्रंच रहे। अब हमारा उपमा बन चुका है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे घी और हरा धनिया डालकर मिला लेंगे और अब गैस को बंद कर देते हैं। तो लीजिए भेज उपमा बन के तैयार है। आप इसे नाश्ते में, स्नैक्स में, बच्चे के टिफिन में सर्व कर सकते हैं। तो आप जरूर बनाकर सर्व कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में।